dear students in this module we are going to discuss that whether sex and gender are socially constructed or not gender and sex are socially constructed concepts it means that they are created and reinforced through social interactions and different cultural practices इट्स नॉट द केस दैट जेंडर एंड सेक्स बोथ कैन बी यूज सनोनेमसली हम जब जेंडर और सेक्स की बात करते हैं तो अमूमा हमें ये लगता है कि शायद ये एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हैं चूँकि सेक्स एक बायोलॉजिकल फीचर है और जेंडर जो है ये एक सोशली कंस्ट्रक्ट फैक्टर है तो इस वजह से दोनों के दरम्या जो है वो ही डिफ्रेंस मौजूद है सेक्स की बुनियाद के ऊपर हम जेंडर को डिटरमिन नहीं कर सकते और जेंडर की बुनियाद पे सेक्स डिटरमिन नहीं हो सकती ये कहना है मॉडर्न फैम्लीस का और जेंडर स्टडीज़ के प्रोपोनेंट्स का क्योंकि उनके ख़्याल के मुताबिक सेक्स और जेंडर जो हैं ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं हाँ ट्रडिशनली स्पीकिंग हम इनको अक्सर सिनोनिमसली यूज़ करते हैं और हमारे ख्याल में ख़ासतौर तो पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के ख़्याल में जो आपकी जेंडर है वो सेक्स से ही डिटरमिन हो रही होती है यानी जो डिवीन ऑफ लेबर है उसमें जो आपका अहम रोल किरदार करती है अदा करती है वो आपकी सेक्स होती है अगर आप के अंदर मर्द पैदा हुए हैं तो आपसे मुआरा डिफरेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट करेगा इसकी नस्बत कि आप औरत पैदा हुए हैं तो औरत और मर्द के ये जो डिफ्रेंस हैं या ये जो काम की तकसीम है इसके अंदर जो डिटर्मिनंग फैक्टर कंसिडर होता है ट्रडिशनल सोसाइटी में वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है ऑन दी अदर हैंड मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर जो आपकी सेक्स है वह हरगेज़ आपकी जेंडर को डिटर्मिन नहीं कर सकती और इस ख्याल या इस तस्वूर के मुताबिक ये है कि जेंडर जो है ये चूँकि सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है इस वजह से इसमें आप किसी एक ख़ास सेक्स के साथ किसी एक ख़ास काम को मनसूब नहीं कर सकते मसल बच्चों की परवरिश कौन करेगा ये हम इस बुनियाद पर तय नहीं कर सकते कि चूँकि औरत ने बच्चा पैदा किया है लिहाजा वही ज़िम्मेदार होगी बच्चों की परवरिश की इसी तरह से जो घरदारी का काम है वो भी टिपिकली औरत की ज़िम्मेदारी नहीं कहला सकता सिर्फ और सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर कि चूँकि उसके बायोलॉजिकल फीचर्स हैं औरत होने के और लिहाजा उसको जो है वो घरदारी का काम दिया जाएगा यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि इसी आइडियोलॉजी के तहत जेंडर रोल्स जो हैं वो बहुत डायनेमिक हो चुके हुए हैं मर्द जो हैं वो काम भी कर रहे हैं जो ट्रडिशनली औरतें करती और औरतें वो सारे काम भी आज कर रही हैं जो ट्रडिशनली मर्द करते थे सो so, पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेश आर डीपली एम्बेड इन कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसज विच कैन लिमिट इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन विद द नॉन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स तो एक काइंड ऑफ कल्चरल क्लैश जो है वो आज हमें नज़र आता है ख़ास तौर पर अर्बन सोसाइटीज़ के अंदर कि जिसमें रोल एक्सपेक्टेशन जो हैं वो आज बदलती जा रही हैं मर्ज से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो घरदारी का काम वो भी करे उसमें और कुछ नहीं तो हाथ बटाए उसके अंदर हिस्सा ले और औरत से जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एजुकेशन uh, हासिल करके तालीम हासिल करके जो है वो जॉब मार्केट के अंदर आए सो द स्टडी ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड सेक्स रिक्वायर्स अ मल्टीडिसप्लिनरी अप्रोच बाई इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट परस्पेक्टिव फ्राम सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज़ तो इफ़ वी रियली मन अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन दैट वेदर सेक्स एंड जेंडर आर सोशली कंस्ट्रक्टेड तो इसको हमें मल्टी डिसप्लिनरी अप्रोच के तहत देखना होगा और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी होगी कि वेदर इट्स अ सोशल एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और एक्नॉमिक एस्पेक्ट विच इज़ एक्चुअली डिटर्मिंग डिफरेंट जेंडर रोल्स इन योर सोसाइटी फूड फॉर थाट आपके लिए ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर जेंडर की जो सोशल कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर इस वक्त क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं आप अगर गौर करें ख़ास तौर तो पर मीडिया एडवर्टीज़मेंट के अंदर भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं और इसी से जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू हमें मज़बूत होता हुआ मिलता है कि शायद जेंडर रोल्स जो है, वो हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं